जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ, कुछ लोग कह रहे थे कि ये कामयाब है, कुछ कह रहे हैं कि ये कामयाब नहीं है। ये इस बहस से कतई नजर, गुज़िश्ता रोज जो हुआ, जो हमने देखा, उसने पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। अब ये बिल्कुल वाज़े हो चुका है कि पाकिस्तान की सियासत वैसी नहीं रही जैसे माजी में थी। हमने यहां पे ट्रेंड देखे थे कि लोग आते थे, उनको लेके आया जाता था, बसेस में लोगों को लेके आते थे। गुज़िश्ता रोज लोग जिस तरीके से वहां पर पहुंचे, खुद पहुंचे, जहां पे जलसा करवाया गया वो भी आपको पता है शहर से बाहर है, जलसे से पहले जिस तरह रुकावटें खड़ी की गई, ये सामने आप खबर देख सकते हैं। ये आज की एक्सप्रेस न्यूज की खबर है। इस खबर के मुताबिक लाहौर पीटीआई के 487 मुतहरिक कारकुनों और रहनुमाओं की नजरबंदी के अहकामात वापस, ये आज अहकामात वापस हुए हैं। यानी तकरीबन 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया या उनकी नजरबंदी के अहकामात जारी किए गए जलसे से पहले एक शहर के अंदर। तो आपकी सारी लीडरशिप या तो वो रूपोश थी, या तो पकड़ी गई थी, या कारकुन जो आपकी तंजीम थी जितनी भी, वो सारी मुश्किलात का शिकार थी, इन हालात का उनको सामना था। लेकिन उसके बावजूद आपने 24 घंटे से कम अरसे के अंदर देखा कि एक जलसा मुनक्किद भी हुआ, उसमें बड़ी तादाद में लोग खुद पहुंचे। अब जो बयानिया है, उस बयानिया को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब कंट्रोल नहीं कर रहे। इस वक्त बयानिया जो है वो आवाम लेके चल रही है, और उसकी मिसाल ये जलसा बिल्कुल आपके सामने है। जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे खुद पहुंचे, अपनी फैमिलीज के साथ पहुंचे, अगर यही जलसा मीनारे पाकिस्तान में होता तो आप देखते कि बहुत बड़ा ये जलसा होना था, इससे भी बड़ा जलसा होना था। अभी ये जो जलसा हुआ है इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, और ये ऑर्गेनिक जलसा है, ये वैसा जलसा नहीं है। जब मियां साहब आ रहे थे तो पूरे मुल्क से काफले पहुंचे थे, मेरे ख्याल में योगोस्लाविया के अलावा तो हर जगह से काफले पहुंचे थे जब मियां साहब का जलसा था। पर उस जलसे के अंदर आपको वो पैशन नजर नहीं आता, वो चीज नजर नहीं आती। इस जलसे के अंदर आपको वो चीज नजर आई कि अवाम अपनी मर्जी से पहुंचे, आके उन्होंने एक वाज़े पैगाम दिया। ऑल्दो के नून लीग के कुछ रहनुमा जो है वो कहते रहे कि जी 3000 बंदा है, 4000 बंदा है, ये सारे मेजॉरिटी जो लोग थे ये मुकामी लोग थे जो खुद पहुंचे। कोई 4 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचा, कोई 5 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचा। अली अमीन साहब उस तरह नहीं पहुंच सके, बाकी वो पहुंचे जलसा गाह तक, उन्होंने कहा था मैं पहुंचूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तकरीर क्यों नहीं की, कोई कॉम्प्रोमाइज है, ये मैटर नहीं करता। अली अमीन या कोई और इस वक्त मैटर नहीं करता, सूरत हाल उस नहज पे पहुंच गई है, बयानिया उस जगह पे है कि जहां पे अगर इमरान खान साहब भी इस बयानिया को तब्दील करेंगे, वो ये कहेंगे कि जनाब ठीक है, हम इससे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हम पीपल्स पार्टी के साथ भी चले जाएंगे, हम नून लीग के साथ भी बैठ जाते हैं, तो इमरान खान भी इररिलेवेंट हो जाएंगे। इस वक्त जो आप सियासत देख रहे हैं ये हमारी जिंदगी में हम पहली दफा अवामी सियासत देख रहे हैं। हो सकता है 70s में कोई होती हो, हमने तो नहीं वो देखी, लेकिन हम पहली दफा देख रहे हैं कि एक ऐसी सियासत जहां पे लीडिंग किरदार जो है वो आम बंदे का है, आम पब्लिक का है। वो बाहर निकलते हैं, वो खुद आते हैं, बगैर ट्रांसपोर्ट के आते हैं, जिस तरह 8 फरवरी वाले दिन भी वो आए, अगेन इस जलसे के अंदर आए। और इस वक्त इमरान खान जो है वो बयानिया लेके नहीं चल रहे, जो बहुत सारे लोग कहते ना कि इमरान खान साहब का बयानिया है और इमरान खान साहब का बयानिया चल रहे, नहीं, इस वक्त बयानिया आवाम का है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा। और इमरान खान बुनियादी तौर पे पोस्टर बॉय बन गए हैं अवामी जो रिजेंटमेंट है इस निजाम के खिलाफ, इस ओवरऑल जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर उसके खिलाफ। और अवाम जो है बयानिया उनका है, इमरान खान साहब उसके ऊपर राइड कर रहे हैं। और जब इमरान खान साहब बाहर आके जलसा करेंगे तो आप देखेंगे कि फिर वो कितना बड़ा जलसा होगा। पर एनीवे, जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि बात अब सियासी जमातों के हाथ में नहीं है, बात अब अवाम के हाथ में है, और बेहतर यही है कि अवाम को ही फैसला करने दिया जाए। अगर इमरान खान साहब भी जो है वो कहेंगे कि जनाब हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और अवाम को लगेगा कि ये अपनी जो सियासत है इन्होंने तब्दील की है, तो इमरान खान साहब को भी इररिलेवेंट होते हुए 5 मिनट नहीं लगेंगे। इसीलिए जो भी शख्स है बाहर के, जी अली अमीन साहब नहीं पहुंचे या फलाना नहीं पहुंचा, ये चीजें इस वक्त मैटर नहीं करती। पर एनीवे बड़ा कामयाब जलसा था, बड़ा जबरदस्त जलसा था। इस हालात में, ऐसे हालात में पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात, ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात जो है ऐसा जलसा नहीं कर सकती किसी भी जगह पे, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क के किसी भी कोने में जलसा कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर आज चाहे तो वो सबसे बड़ा जो है वो शो गिलगित बल्तिस्तान में कर सकती है, वो सबसे बड़ा शो जो है पावर शो
कश्मीर में कर सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में कर सकती है, पंजाब में कर सकती है, सिंध में कर सकती है, बलोचिस्तान में कर सकती है, अंदरूने बलोचिस्तान में कर सकती है कि जहां पे कोई लीडर ज्यादा भी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे तो वहां पे भी बड़ा पावर शो आज कर सकती है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक वाहिद जमात है जिसके पास ये पॉपुलैरिटी है। और वो पॉपुलैरिटी क्यों है, अगेन मैंने आपको कहा वो अवामी जो सेंटीमेंट है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्योंकि बयानियां वही है जो अवाम लेके चल रही है, किसी और के हाथ में इसमें बयानियां नहीं है। अगर ये आप देखें गुज़िश्ता रोज उतनी उसकी कवरेज नहीं हुई, पहले कुछ लोग बताते रहे कि जनाब बड़े कम आए हैं, ये है वो है, इस किस्म की बातें होती रही, लेकिन 1 लाख के करीब तो लाइव लोग मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर यूट्यूब के ऊपर इमरान खान साहब के जमात के उस जलसे को देख रहे थे। और उसमें इमरान खान ने नहीं आना था, उसमें इमरान खान साहब ने नहीं आना था, पता था सबको, लेकिन 1 लाख बंदा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर लाइव उसको देख रहा था यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। तो ये सिचुएशन है जनाब। बाकी इमरान खान साहब के हवाले से आज फिर मीडिया पे एक और खबर आ रही है कि जी वो जेरूसलम पोस्ट ने कह दिया है कि इमरान खान आएगा तो वो इसराइल के लिए बड़ा बेहतर है। वो किसी बंदे ने ओपिनियन पीस उसमें लिखा है, मुख्तलिफ सिनारियो उसने पेश किया है और उसके ऊपर जनाब वो ढोल बजाए जा रहे हैं। अब आप खुद देखें इसराइल जो पूरी दुनिया में कार्रवाइयां करता है, कभी ये कर रहा है वो कर रहा है, अगर उसका खुफिया प्लान ये है कि इमरान खान साहब आएंगे और वो पाकिस्तान जो है उनको तस्लीम कर लेगा तो वो अपने ही अखबार में उसको लिखेंगे और ढिंडोरा पीटेंगे और फिर जो है वो पूरी दुनिया चौची खा के सो जाएगी। मतलब ये तो इंतहाई कम अकल और वो मतलब इंतहाई सताई किस्म का बयानिया है कि इसराइली अखबार जो है वो इमरान खान की मुहिम चला रहे हैं। वो इतने बोंगे उनको नहीं पता कि पाकिस्तान में इसराइल का नाम सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो आएंगे या उनका कोई उनकी तरफ से कोई चीज आएगी तो वो उल्टा उनके खिलाफ जाएगी। जो उनके इत्तेहादी हैं, जो उनके हक में सब कुछ करते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, कभी आपने उनकी तारीफ सुनी है उनके किसी अखबार के अंदर? तो ये तो ओपिनियन पीस है, किसी ने कोई लिखा है और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी है, पर एनी वे ये इंतहाई एक सताई किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। और इससे आप अंदाजा लगाएं कि जो सियासी जमातें इनके पास और कुछ भी नहीं है इमरान खान के खिलाफ। कभी वो शर्जील मेहमान साहब आ जाते हैं कि जी जेरूसलम पोस्ट में ये खबर आ गई है, वो आ गया, ये आ गया, पर एनी वे इनका हक है, करते रहे। पर जरा सोचने की चीज है ना कि जो उनका जो है उनके लिए जिसने काम करना है और जो उनका बंदा है उसको वो इस तरीके से प्रमोट करेंगे और कहेंगे कि हाँ जी हमारे हक में ये करेगा। बाकी जो इस वक्त वहां पर कार्रवाइयां वगैरह हो रही हैं हिजबुल्लाह के साथ भी जो उनकी झड़पें हुई हैं और जिस किस्म की उन्होंने कार्रवाइयां की हैं उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है कुछ अरब ममालिक की, उसकी बाकायदा जो है वो उनको सपोर्ट हासिल है। जो इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं कि जनाब ये जो हिजबुल्ला है वो उस अरब ममालिक को भी खटकती है कुछ, उनके भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है और बहुत सारे इश्यूज हैं वहां पे, और बाकायदा वहां पे उनको उस चीज को सेलिब्रेट किया गया कि हिजबुल्ला को अटैक किया गया। तो वो अपने डायनामिक्स हैं उस खित्ते के। पर आपने कभी सुना कि उन्होंने कभी किसी की तारीफ की हो कि जी फलाने अरब ममालिक अरब मुल्क से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए, इतने हमारे लोग वहां पे जा रहे हैं, बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है और बड़ी जो है वो बेहतरीन जो है वो ये बेहतरीन उसको करार दे दिया, इसको दे दिया? तो ऐसा तो नहीं होता, हर मुल्क अपने उसके मुताबिक चलता है। पर एनीवे ये जो एक मुजायका खेज किस्म का बयानिया है जिसमें पहले बयानिया शुरू यहां से हुआ था कि जी गार्डियन ने कह दिया है कि वो बड़ा इंतहा पसंद है, तालिबान को पसंद करता है, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं होना चाहिए था, वो एक औरत ने उसमें खातून ने लिखा था और उस खातून ने यह भी कहा था कि जी मेरी पसंदीदा कैंडिडेट ये है, इनको बनना चाहिए। तो वहां पर वो थे, कुछ दिनों के बाद वो फिर वो एजेंट बन गए यहूदी लॉबी के। तो वो बयानिया कोई समझ नहीं आ रहा कि है क्या, वो थोड़ी सी वजाहत कर दें जो हुकूमती दोस्त बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी से, तो वो आवाम की जिसे आप कहते हैं रहनुमाई के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगला वजीर आजम कौन होगा। ये चीज जो है ना इस वक्त डिस्कस होना शुरू हो गई है कि अगला वजीर आजम कौन होगा, और अगला वजीर आजम अगर कोई जो इस वक्त मार्केट में है जिनकी ख्वाहिश है वो है जी बिलावल साहब। जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल साहब को वजीर आजम अगला बनाया जाए, उसके लिए आईनी तरमीम जो लानी है उसमें भी अपना किरदार अदा किया जाए, मखसूस जो नशिस्ते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी तो वो चंक जो है वो जो वो है एमएनएस का चंक है वो रहेंगे इंडिपेंडेंट,
उनको बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया जा सकता है, उनका इत्तेहाद भी हो सकता है, वो बिलावल के लिए वोट भी दे सकते हैं। इसी तरह जो सूबाई असेंबली में इंडिपेंडेंट हैं उनके जरिए जनाब आप सेनेटर्स अपने मजीद मुंतखब करवा सकते हैं, तो वो एक तो पार्लियामेंट में आपकी पोजीशन भी मुस्तहकम हो जाएगी और बिलावल को एक इत्तेहादी हुकूमत का जो है वजीर आजम बना दिया जाए, क्योंकि जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि उनकी जिंदगी में जो है बिलावल साहब वजीर आजम जरूर बने, और उससे भी बड़ी ख्वाहिश यह है कि बाप सदर हो और बेटा वजीर आजम हो, तो यह भी एक जमहूरी के लिए जनाब देखें जी पाकिस्तान की आवाम ने क्या फैसला किया है। इसी वजह से ये जो अभी आईनी तरमीम वगैरह आ रही थी, इसको अगर कोई लीड कर रहा था तो वो जरदारी साहब कर रहे थे। मौलाना को मिलने के लिए भी शहबाज शरीफ साहब से पहले जरदारी साहब गए थे, बंदूक भी लेके गए थे, तोहफे में बंदूक दी, फिर बिलावल रात को दो बजे जो पहुंचे हैं वो मौलाना से मिलने के लिए, उनका भी इसमें किरदार था कि जनाब ये सारी चीजें हों और चीजें उस तरफ जाएं, आईनी अदालत बने, बहुत सारे मामलात हमारे हल हों, और उसके साथ साथ जो 63F वाला मामला है कि जो वोट डालेगा ना उसको वोट काउंट होगा और वो नायल भी हो जाएगा, उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। अब उसमें अक्सर लोग कहते हैं जी आईन को रीराइट कर दिया, ये लोग जो कर रहे हैं, जो हुकूमत कर रही है कि जनाब ये चाहते थे कि आधी रात को मुल्क का आईन हमेशा के लिए तब्दील कर दें। ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि किसी भी जमहूरी माशरे में आप सोच सकते हैं कि चंद लोग ये फैसला करें कि जिनके पास मेजोरिटी भी नहीं है और जिस तरीके से वो मेजोरिटी इकट्ठी कर रहे हैं कि वो मुल्क का आईन रातों रात बदल दें, कैसे क्या ऐसे हो सकता है? तो अब वो जो कहते थे ना रीराइट किया, वहां पे बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनाब अगर आप हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, बंदों को खरीदेंगे, बंदों को तोड़ेंगे, उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो उन्होंने हमेशा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर एक तरह से बंद बांध दिया उस फैसले ने। अब ये कह रहे हैं कि जी वोट काउंट हो जाए, बंदा बाद में नाहल हो जाए। भाई आप इस्तीफा दें और मुंतखब होकर दोबारा आ जाए, अगर आप समझते हैं कि आप अवाम की बिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो जो हॉर्स ट्रेडिंग के आगे एक तरह से पुल बांधा गया था, ये उस पुल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा वो जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका सबसे ज्यादा दुख है इस वक्त निजाम को, सबसे ज्यादा दुख और इन लोगों को। और इनकी ख्वाहिश ये है कि वो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलें, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसलिए स्पीकर साहब भी खत लिख रहे हैं, पंजाब असेंबली से भी खत लिखा जा रहा है, सिंध असेंबली से भी खत लिखा जा रहा है। तो बिलावल साहब को अगला वजीर आजम बनाने के लिए उन MNAs को भी शामिल किया जाए। मौलाना से जब बिलावल की मुलाकात हुई और बाद में मीडिया इंटरेक्शन में भी मौलाना ने कहा कि जी हुकूमत का जो है वो बिलावल भी आए थे और बिलावल ने जो हुकूमती मसवदा है उसके हवाले से उसको जो है उस पर बात नहीं की। मतलब उन्होंने तासुर ये दिया अपनी बात में मौलाना ने कि जैसे बिलावल और हुकूमत कोई दो अलग अलग एंटिटीज हैं, बिलावल ही हुकूमत है और उन्हीं की हुकूमत इस वक्त चल रही है। जो मसवदा था वो बिलावल का ही मसवदा था जो भी वो पास करवाना चाहते थे। तो मौलाना का भी उनसे इत्तेहाद हो सकता है, मौलाना उनके साथ चल सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ चल सकते हैं। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो है ना आपको हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हुए भी नजर आएंगे, हुकूमत की किसी चीज से खुद को अलग करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हुकूमत कर रही है, वो इन्हीं की हुकूमत है और यही कर रहे हैं। लेकिन बिलावल को जी वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश है और उस ख्वाहिश को पूरा किस तरह करना है, अगेन वही सियासत, बंद कमरों के अंदर बैठ के ये जमा तफरीक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसको डिवाइड कर देंगे, यहां पे ये प्लस हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा। बंद कमरों में बैठ के इन्होंने पूरा सिनारियो क्रिएट कर लिया जरदारी साहब के साहबजादा किस तरह वजीर आजम बन सकता है। लेकिन इशू ये है कि वो जो बंद कमरों की सियासत है जिसमें हर किसी को ये इसको जमा किया, उसको ये किया, वो किया, उस सियासत को अवाम ने हमेशा के लिए माइनस कर दिया। तो अब बंद कमरों के अंदर बैठ के उस तरह जो मंसूबे बनाए जाते हैं उनके ऊपर अमली जामा उनको पहनाना इतना आसान नहीं है। पर देखते हैं जनाब चीजें आगे किस तरफ जाती हैं। मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है उसके ऊपर आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी जज साहबान से। अब ये सामने आप देख सकते हैं, खबर भी रिपोर्ट हो रही है, मखसूस नशिस्तें अक्सरियती जजेस की वजाहत पर चीफ जस्टिस ने जवाब मांग लिया। ठीक है जी, उसमें जो 8 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त पर दी गई वजाहत पर डिप्टी रजिस्ट्रार से 14 सितंबर के नोट पर 9 सवालात उठाते हुए जवाब मांग लिया चीफ जस्टिस साहब ने। चीफ जस्टिस ने सवाल किया है कि इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्तें कब दायर की, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की मुतफरिक दरखास्तों पर प्रैक्टिस
एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई, इनको जी वहां पे क्यों नहीं भेजा गया। और चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा ने सवाल किया है कि मुतफरिक दरखास्तों का कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाप्त फिक्स हुई उनकी, और क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतलका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए थे। अब वैसे उस फैसले के अंदर ही लिखा हुआ है कि इन चैम्बर उनसे राबता किया जा सकता है, तो वो इन चैम्बर ही उन्होंने किया है और वो फैसला सुना दिया है। आई डोंट नो अब ये इसके ऊपर वो आठ मोजिज जज साहबान इन सवाल के ऊपर कोई जवाब देंगे या नहीं देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है एक्ट है उसका भी उन्होंने इसमें जिक्र किया। और एक और जो चीज है, जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जारियाना पॉलिसी बरकरार, यह सामने एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के हक में फैसला सुनाने वाले आठ जजों के खिलाफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जारियाना पॉलिसी जो है वो ताहाल बरकरार है। 12 जुलाई के जो मखसूस नशिस्तों पर मुख्तसर हुक्म के 7 रोज बाद चीफ जस्टिस ने बतौर सरबरा कमेटी, वही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी बनी थी जो मुकदमे मुकर्रर करती है, जो बताती है कि बेंच कौन सा बनेगा, उस कमेटी के अंदर 2 सीनियर जो जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुस्लिम लीग नून की नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत पर जोर दिया, ताहम अक्सरियत ने उनके साथ इतफाक नहीं किया था। अब उस कमेटी को जनाब, जिसका क्रेडिट लेती थी हुकूमत कि जी हमने ये कमेटी बना दी है और चीफ जस्टिस जो है अब वो मास्टर ऑफ जो है वो रोस्टर नहीं होंगे, और जनाब चीफ जस्टिस साहब भी कहते थे कि जमहूरियत आ गई है, मैंने अपना राइट दे दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, उसमें तरमीम कर दी गई। और उस तरमीम किस तरह अब की गई, उसके अंदर ऑर्डिनेंस के जरिए जनाब वो जो एक्ट है उसको तब्दील कर दिया गया। अब तीसरा जो जज है वो चीफ जस्टिस साहब की मर्जी का होगा। तो मैंने जब वो आया था ऑर्डिनेंस, तो मैंने कहा था कि ये तो हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है ना, तीसरा जज तो काजी फायज ईसा साहब तो इसके ऊपर यू टर्न नहीं लेंगे, वो तो वही मुनीब अख्तर साहब के साथ ही जाएंगे। अभी ऐसा तो कोई फैसला नहीं हुआ, वक्त से पहले इसके ऊपर तबसरा तो नहीं किया जा सकता। और यही सीनियर कानूनदान सलाउद्दीन साहब, आपने उनको टीवी पे भी देखा होगा जब ये लाइव मुकदमात वगैरह भी चलते रहते हैं, उसमें भी वो वहां पे पेश होते रहे, उन्होंने भी एक ट्वीट की हुई और अपनी ट्वीट में लिखा हुआ है कि जनाब के वो जिस तरीके से वो बना था, कमेटी का सारा मामला बना था, वो नया एक्ट आया था और काजी फायज ईसा साहब ने वो कहा था कि जनाब किस तरीके से जो है ये जमहूरियत के असूलों के मुताबिक है, तो उसमें उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर बुनियादी तौर पर यह लिखा हुआ है कि सारे मामले के ऊपर हुकूमत ने तो यू टर्न ले लिया है, लेकिन आगे आखिरी लाइन उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो लिखते हैं कि आई डू नॉट बिलीव सीजे विल यू टर्न, मतलब कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर यू टर्न नहीं लेंगे, पर जो है वो हुकूमत ने इसके ऊपर यू टर्न ले लिया। लेकिन जब वो ऑर्डिनेंस आया तो अभी वो ऑर्डिनेंस ठंडा भी नहीं हुआ था, तो मुनीब अख्तर साहब को निकाल के चीफ जस्टिस साहब ने तीसरा जज अपनी मर्जी का उसके अंदर डाल दिया। तो अब ये देखते हैं कि जनाब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।